तो दोस्तों आज हम अपना हॉस्टल ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। तो ये है हमारा हॉस्टल ब्लॉक 2। तो यहाँ हम इंटर कर रहे हैं। ये हमारे गार्ड भैया हैं, जैसा देखिए। तो अब हम जाते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको क्या क्या है इधर। ये एक वाटर कूलर है इधर, ये एक टेबल टेनिस है हॉस्टल के लिए। इधर कुछ रूम्स हैं जो हमारे लिए तो अभी नहीं है। और ये है हमारा मेस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ बैचमेट्स हमारे खाना खा रहे हैं। आप कैसे हैं नागेश, आप बताइए। ये हमारा मेस था दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं ऊपर। ये फर्स्ट फ्लोर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हॉस्टल का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से है। ये विंग 1 और ये विंग 2। विंग 2 में आपको रूम, ये रूम मिल रहे हैं। विंग 1 में भी उसी तरह से एक अरेंजमेंट है। और ये फर्स्ट फ्लोर का नज़ारा देखिए आप। ये कॉमन रूम, ये हॉस्टल से बाहर का नज़ारा अपना। अब आपको लेकर चलते हैं हम अपने रूम में, जो कि मेरा रूम सेकंड फ्लोर पर है, विंग 3। 23-34 रूम नंबर है विंग 3 में। तो आइए विंग 3 की तरफ। ये विंग 3 का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार। मेरा रूम नंबर है 31। तो चलिए ये है मेरा रूम दोस्तों। ये अमित चौहान जो यूपी मैनपुरी से हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको रूम मिलता है। और ये है हमारा बालकनी, आपको दिखाते हैं बालकनी कुछ इस तरह का। हमारा कैंपस है, ये बालकनी कह रही है। ये हमारे सीनियर्स का हॉस्टल। और हिमांशु साहू कैसे हैं आप, ये हमारे दूसरे यूट्यूबर हैं। हाय बोलिए साहू जी। और ये बैकनपुर कोरिया से हैं, पहचान लीजिए इनको, आपको मिलेंगे। ये इसे लॉक कर देते हैं। अब चलते हैं आपको दूसरे रूम दिखाते हैं, रूम नंबर 32। और सुनील भाइयों, सुनील निर्मल, ये सुनील है राजस्थान, निर्मल 12 राजस्थान से हैं। ये देखिए इनका रूम है। और कुछ बोलना चाहेंगे आप हॉस्टल के बारे में? बढ़िया है। आप कुछ बताइए हॉस्टल के बारे में। चलिए थैंक यू निर्मल, आपको एक नज़ारा दिखाते हैं इनके रूम से, खिड़की के बाहर से। ये देखिए चलिए, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर। अब आपको दिखाते हैं हमारा बाथरूम। तो कुछ इस प्रकार से आपको बाथरूम मिलती है जीएमसी अंबिकापुर की। ये 4 टॉयलेट्स हैं इधर और ये 4 बाथरूम। सुविधा से लैस। तो चलिए ये रूम नंबर 26 में इंटर करके देखते हैं कौन है इसमें। और ये हैं हमारे राजन जो कि दिल्ली से हैं, ये अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। कैसे हैं आप राजन? ये राजन का रूम है। सब सारे रूम के अरेंजमेंट एक ही तरह से है। देखिए ये राजन का रूममेट जो कि शोभित भौमिक, ये इनका बेड है। आप कुछ बताना चाहेंगे हॉस्टल के बारे में, क्या फैसिलिटीज, क्या कमियां, क्या फायदे हैं हॉस्टल के, आप बताइए। हॉस्टल तो बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। सारे टीचर्स, सारे फ्रेंड्स, जो मेरे कनेक्शन, सब बढ़िया है।
तो जैसा कि राजन ने आपको बताया, हमारी जो हॉस्टल के कॉरिडोर वगैरह हैं और बाथरूम वगैरह, ये हर दिन साफ़ होते रहते हैं। बाथरूम भी हर दिन साफ होते रहते हैं और हमारे रूम की सफाई करने के लिए भी भैया आते हैं, साफ़ करके चले जाते हैं। तो फैसिलिटीज़ तो अच्छी खासी हैं। आप राजन का एप्रॉन देख सकते हैं, आपको थोड़ा बालकनी दिखाते हैं राजन का। ओहो, ये है राजन से बालकनी का, राजन के बालकनी से नज़ारा कैंपस का। कूलर भी लगा रखा है। चलिए बाहर चलते हैं, राजन को पढ़ने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं राजन को। ठीक है भाई, मिलेंगे आपसे फिर। अरे आप भी चलिएगा, आ जाइए आ जाइए। तो राजन भी हमारी हेल्प कर रहे हैं अब ब्लॉग बनाने में, करेंगे रूम बंद कर देते हैं। ये रूम नंबर 25, इसमें कौन है? ये हमारा सीआर का रूम है। अच्छा, ये हमारे सीआर का रूम है। सीआर तो अभी घर गए हुए, आई इनके रूममेट से कुछ बात करते हैं। अभी आपको थोड़ी देर पहले मिले थे हिमांशु साहू, वही है इनके रूम में। अरे अरे क्या हो गया साहू? साफ नहीं है भाई। तो जैसा कि ये कह रहे हैं इनका रूम गंदा है, साफ नहीं है, इसलिए ये बाद में इनका रूम दिखाया जाएगा। आइए, ये हमारे राजस्थान भाइयों का रूम है, आ जाओ। आइए आपको कॉमन रूम से थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ हम लोग बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं भाइयों। ये रहा बाहर, यहाँ बहुत अच्छा लगता है बैठ के। अगर लाइट चली जाती है तो हम सारे दोस्त यहीं बैठते हैं और मस्त मज़ा करते हैं, गाने सुनते हैं और एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं। चलिए आपको विंग 4 दिखाते हैं। ये देखिए विंग 4, तो अभी ये पहले हमारी विंग हुआ करती थी। पहले इसमें हम रहते थे, ये था मेरा रूम, फिर हम लोग शिफ्ट कर गए। आइए आपको इसके अंदर दिखाते हैं क्या है अभी। हाँ, इसमें नए टेबल बेड वगैरह लग चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये शायद नेक्स्ट बैचेस के लिए हैं। ये था हमारा बाथरूम, सेम वही अरेंजमेंट है, 4 टॉयलेट 4 बाथरूम। अब आपको छत पे दिखाते हैं क्या माहौल है छत का, और वहां से आपको व्यू दिखाते हैं छत का। ये है विंग, हाँ क्या कहते हैं, फ्लोर 3 विंग 5 और 6। ये भी खाली है, यहाँ कोई भी नहीं रहता। पहाड़ कुछ शायद दिख रहा होगा यहाँ से, पहाड़ पहाड़ देख के क्या कर दिया। ये हमारे सीनियर्स का हॉस्टल है, ये फैकल्टीज के क्वार्टर्स, वो हमारा डीन सर का क्वार्टर, एमएस सर का क्वार्टर, और ये हमारी कॉलेज बिल्डिंग, ये जो शीशा लगा आप सामने जो आप देख रहे हैं, और वो है हॉस्पिटल बिल्डिंग एकदम सामने जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है।